गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3D। इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन LCM बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। आपने देखा होगा कि कॉमन मल्टीपल मेथड से कैसे LCM फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम एक बार दोबारा उसका रिविज़न एक क्वेश्चन का करा के फिर हम आगे अगला मेथड चलते हैं। तो LCM ऑफ 8, 10 एंड 20, इस तीनों का LCM आपको निकालना है। तो आपको करना क्या होता है, हम जानते हैं मेथड मल्टीपल ऑफ 8 निकालते हैं, मतलब 8 का जो टेबल है वो लिख लिया हमने। मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 का मल्टीपल लिखते हैं, वो देखिए 10, 10, 2 जो 20, 10, 3 जो 40, ये मल्टीपल लिख लिया इसका। फिर 20 का मल्टीपल लिखते हैं, 21 जो 20, 24 जो 20, 22 जो 40, 23 जो 60, 24 जो 80, ऐसे मल्टीपल लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं कि जी जो हमारे 8 और 10 और 20 में मल्टीपल में कॉमन कौन कौन से मल्टीपल हैं। तो आप देखेंगे इन तीनों में एक नंबर यहाँ पे देखिए 20 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 20 नहीं है, सॉरी देखिए हमने यहाँ गलती कर दी। ये देखिए ये 20 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत हो गया, क्योंकि 8 के देखिए टेबल में मल्टीपल में 20 नहीं दिख रहा है, तो ये हमने गलत लिख दिया है, तो ये 20 नहीं होना चाहिए, इसको हम ये काट दिया हमने। अब आप देखते हैं पहला मल्टीपल यहाँ 40 है, इसमें भी 40, इसमें भी 40, तो देखिए पहला मल्टीपल हमारा 40, उसके बाद 40 के बाद देखिए 80, इसमें भी 80, इसमें भी 80, इसमें भी है, तो हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया 80। अब क्या हो गया, तो हमारा ये कॉमन मल्टीपल हो गया 40 और 80। अब हमें क्या निकला है, LCM, यानी LCM था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन, इन दोनों मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है, 40, तो जो हमारा LCM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40। देखिए हमने 20 लिखा था, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, 40, तो हमारा LCM जो हो गया क्या हो गया, वो 40 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब मतलब आपको जो भी है उसका मल्टीपल्स निकालने हैं, उन मल्टीपल निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनका कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा कॉमन वाला, वही आपका LCM होगा। तो ये हो गया LCM आपका कॉमन मल्टीपल मेथड से। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज, ये कंप्लीट होगी, अगली एक्सरसाइज 3E, इसमें SCF निकालना है, लेकिन यहाँ पे मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है इसमें और चेक करना है, SCF निकालना है। तो हम मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है 18 और 42, तो आपको क्या करना है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और आपको पता होगा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ऐसे ही नंबर को उठा उठा के यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर याद रखिए जो 1 से डिवाइड हो, सेल्फ से डिवाइड, उसके अलावा किसी से ना डिवाइड हो। तो आते हैं हम देखते हैं 18 और 42 का हमें SCF निकालना है। 18 हमने लिखा इस टेबल में, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, फिर यहाँ देखिए 9 2 से नहीं डिवाइड होगा, हमने 3 लिया, 3 3 जा 9, फिर देखिए 3 है 3 3 जा 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या मिला, 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, तो हमने देखिए 18 को लिखा है 2 × 3 × 3। इस तरीके से 42 का निकालते हैं, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 3 7 जा, अब देखिए 21 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो हमने 3 से लिया, 3 7 जा 21, अब 7 का 7 1 जा 7 ले लिया हमने, यहाँ देखिए क्या मिला मेरे पास, 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। अब जो SCF होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो कहता है कि आप कॉमन मल्टीपल दोनों में ढूंढिए। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, लेकिन देखिए उसके आगे एक 3 है यहाँ, लेकिन दूसरा 3 नहीं है यहाँ, 7 इसमें 7 नहीं है, तो आपको जो कॉमन है वही आपको लिखना है। तो SCF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो ये जो दोनों कॉमन फैक्टर हैं दोनों के, 2 और 3, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया। लेकिन ये यार कि दो बार आपको नहीं करना है, जो दोनों में कॉमन है एक एक लेना है, तो हमने एक एक ले लिया, 2 × 3 ये हो गया क्या, 6। ये आपका हो गया SCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड। हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अगला सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, 14 35 63, तो 14 35 63 का आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो उसमें करते क्या है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते क्या, हमने क्या किया, 14 का वो निकाल लिया हमने, क्या निकाला आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको डिवाइड किया, तो 2 7 जा 14, 7 आ गया, 7 1 जा 7, देखिए ना 3 से डिवाइड होगा ना 5 से डिवाइड, नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हमने 7 1 जा 7 किया। अब यानी 14 के लिखते तो 2 × 7। आते हैं 35, अगला नंबर 35 का 35, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब आते हैं 5 से, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब आते हैं 63 पे,
ये टू से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में थ्री है, तो थ्री टू जा सिक्स और थ्री वन जा थ्री। ये जो नंबर होता है ना ऊपर, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। थ्री को 27 से डिवाइड किया तो थ्री सेवन जा 21, फिर सेवन वन जा सेवन। अब जित जो जो डिवाइड हुए उनके हम फैक्टर लिख लेते हैं। ये 14 को लिख सकते हैं 2 into 7, 35 को लिख सकते हैं 5 into 7, ये लिख दिया, और 63 को लिखते हैं 3 into 3 into 7, तो 3 into 3 into 7। तो अब हमें SCF निकालना, जो कॉमन फैक्टर होता है, प्रोडक्ट और कॉमन फैक्टर, लेकिन हाँ एक ही नंबर कॉमन मिल रहा है तो हमारा 7 ही हो जाएगा। अगर हमारे दो नंबर कोई कॉमन होते तो हमें प्रोडक्ट करना पड़ता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 24, 52, 100 का निकाला है। 24 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 1 2, 2 2 4, 2 का 12 डिवाइड करते 2 6 12, 2 का 6 में डिवाइड 2 3 6, 3 1 3। ऐसे 52 का 2 2 4, यहाँ भी देखिए कैरी 1 12, 2 6 12, ये से 2 1 2, 2 3 6। अब देखिए 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 से होता है तो 13 1 13, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 13, याद रखिएगा इन चीज़ को। आगे तो 100 को डिवाइड करते 2 5 2 5 5 10, 0 2 2 2 4 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो जो जो हैं ये नंबर हमने लिख दिया, 24 को 2 into 2 into 3 into 3 लिख सके, ये आप 52 को लिखते 2 into 2 into 13, ये लिखा मैंने। 100 को उसके 2 into 2 into 5 into 5, ये लिख दिया हमने। अब हमें SCF निकालना है तो हमें प्रोडक्ट और कॉमन फैक्टर देखना होगा। ये देखिए 2 2 2 इसमें भी है, 2 अगला इसमें भी है, उसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो उनका क्या होता है SCF, प्रोडक्ट और कॉमन फैक्टर। तो हमने प्रोडक्ट और कॉमन फैक्टर लिखना था, तो ये देखिए 2 into 2, और 2 into 2 जो हो गया क्या क्या हो 4, तो ये 2 into 2 4 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी 24, 52 और 100 का जो SCF हुआ वो क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखिए, ये मल्टीपल है तो मल्टीपल नहीं है, फैक्टर कर दीजिए, कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा SCF कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, अब इसको सॉल्व करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक